तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। दोपहर के बज चुके हैं 1:30, और सबसे पहले मैं और प्रीति जा रहे हैं कीरत को लेने, क्योंकि क्योंकि जो थार है वो अगम लेके चला गया है कॉलेज पे, उसकी फ्रेशर पार्टी है। और मैं और प्रीति जा रहे हैं कीरत को स्कूल लेने, इको स्पोर्ट पे, और फिर मुझे दिल्ली की तरफ निकलना है, बहुत जरूरी काम है। पहले हम कीरत को लेके आते हैं। डैडी का ड्राइवर नहीं आया, डैडी उसकी वेट कर रहे हैं। ये रे आ रहा है, आ रहा है, आएगा तो जाऊंगा, छुट्टी ना कर देना। तो कीरत के स्कूल पहुंच चुके हैं और टाइम हो गया है 1:39, और ये जल्दी जा रही है कीरत को लेने के लिए, और इसके बाद हमने जाना है काम से। छुट्टी भी नहीं हुई, तो ये तो कह रही है 1:40 पे हो जाती है, मैं बैठी होगी। ये सब बच्चा पार्टी आ गई। ये सब बच्चा पार्टी आ गई है। फिर कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। चल मम्मी कह रही टेस्ट में नंबर कम हो तो यमदूत का झोटा तू बनेगा आज। हाँ? सबसे पहले तो मम्मी को एक चीज बतानी है। क्या? कुछ नहीं, गंदा नंबर आया लग रहा है। नंबर का तो सही नहीं, नंबर का नहीं था। चल ला मुझे पकड़ा बैग, ओ दे खुद ले जाएगा, जा ले। कीरत घर आ चुका है, प्रीति गई है बच्चों को छोड़ने के लिए, और मैं घर पे रुका हूँ। पहले मैं पीऊंगा नींबू पानी पी के फिर मैं निकल रहा हूँ, और फिर मिलेंगे शाम को, क्योंकि बीच में शायद मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगा, टाइम नहीं हुआ, तो अगर हुआ तो करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। आ गई घूम के, ओ भाई स्कूल से आती साइकिलिंग शुरू। ये बच्चों की टीम पूरी। तो आज बहुत दिन के बाद इको स्पोर्ट चला रहा हूँ ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है लॉन्ग रूट में। मतलब ये गाड़ी अपने पास है तो बहुत पुराने से ही, मतलब जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी शायद 2012 की 13 में, शायद तभी हमने खरीद ली थी। तो उस टाइम मैंने टॉप मॉडल गाड़ी ली थी ये, तो उसके बाद से लेके मैंने ये गाड़ी को बेचा था 2020 में, और फिर अभी सोनू ने दोबारा से ये ले लिया एक और। तो मैंने कहा चलो आज इस पर राउंड मारते हैं, क्योंकि अगम गया हुआ है फ्रेशर पार्टी पे, थार लेके कह रहा है चाचू मुझे थार पे जाना है, जाओ भाई मजे करो एंजॉय मारो। तो वो थार लेके गया तो मैं इस पे जा रहा हूँ। मतलब जाना नहीं था कोई, क्योंकि 29 जैन तक तो छुट्टी मनाओ, क्योंकि देश हमारा रिपब्लिक की धूम पे है। तो बट थोड़ा सा जाम वाम भी होता है, इस करके मैं दिल्ली अवॉइड करता हूँ। तो अभी मैंने एरो सिटी जाना है, किसी को बुलाया था मीटिंग के लिए, तो एरो सिटी ही जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आ जाऊँगा मीटिंग करके वापस घर पे। प्रीति को बोल दिया है कि खाना वाना रेडी कर ले, रात को एंजॉय मारेंगे खाना खा के। और मेरी बुआ का कॉल आया हुआ है, एक तो जो नीलू दीदी आई हैं वो भी, मैं उनको दीदी बोलता हूँ, वो मेरी बुआ है, वो पापा की बहन है, पापा के मतलब वो डैडी जी के चाचा जी की बेटी है, डैडी की बहन है, तो हम लोग उनको शुरू से दीदी बोलते हैं, तो वो दीदी वाली आदत पड़ी है। और अब एक मेरी बुआ जो है पाली बुआ, वो भी उनका कॉल आया कि मैं भी आ रही हूँ, मैं कहा आओ जी मोस्ट वेलकम, तो वो भी 2-3 दिन के लिए रहने आ रही है घर पे। तो बस मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई घर पे आता है ना, रहने आता है, और ऐसे रौनक लगती है ना, तो उसका स्वाद ही अलग होता है जब सारे बैठ के बातें करते हैं, पुरानी बातें, गप्पे शप्पे और फन और इन्जॉय, तो वो मज़ा आता है। वो पल जिंदगी के ना सबसे हसीन पल होते हैं लाइफ के, तो मैं तो हमेशा उन पलों को जीना चाहता हूँ। कोई क्या करना चाहता है, कोई नहीं क्या नहीं करना चाहता, पता नहीं, अपनी सोच ये है, मेरी फैमिली की सोच ये है, प्रीति की सोच ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का हर पल अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्जॉय करें। और हमने अंकित और प्रिया को भी बोल दिया है, अंकित बेचारा रेस्टोरेंट पे सुबह जाता है शाम को आता है, बड़ा तंग तुंग होता है। मैं कहा यार छोड़, पापा इतना कमा के दे गए हैं, सिर्फ मौज मार, क्या करना है इतना दुखी होके इधर जा रहा है उधर जा रहा है, रात को लेट आ रहा है। पापा ने देखो फर्स्ट क्लास इनकम सेट करके दी है ना, तो उसको मजे कर, टेंशन नहीं है कोई, सिर्फ मजे कर और व्लॉग कर, व्लॉग बना, मजे करते रहे जिंदगी के, अंकित को भी बोल दिया, तो सिर्फ इंजॉय कर। तो अंकित को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, और इसी तरह आप प्यार दिखाते रहो और सपोर्ट करते रहो। ये लगा हुआ है जाम दिल्ली जाने के लिए,
और हम है वापसी पे टाइम हो चुका है 5:41। तो बस काम से फ्री होते होते ना कहते टाइम लग जाता है, तो टाइम लग ही गया। मुझे था कि मैं जल्दी चला जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, बट एक बार घर से निकल जाओ ना तो जल्दी आने जाने का कोई सीन का पता लगता ही नहीं है। तो बस अब घर की तरफ चलते हैं। प्रीति से बात हुई है तो मैंने कहा कुछ प्रोग्राम बना ले, क्योंकि डैडी का फोन आ गया है, वो रात को घर पे रोटी नहीं खाएंगे, उन्होंने किसी मैरिज पे जाना है। तो और उसके बाद कल डैडी बॉम्बे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो अंतिम अरदास है उसमें कोई ना कोई एक जना घर से ज़रूर जाना चाहिए। तो डैडी बड़े हैं, डैडी जा रहे हैं, और मैंने और प्रीति ने फिर आज डिसाइड किया कि हम लोग कहीं घूमाते हैं। भाई घूमना तो हमने रोज ही होता है, पर आज फिर घूमाते हैं, क्योंकि कल बच्चों की भी छुट्टी है, सैटरडे संडे है, तो इन्जॉय मारते हैं। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, किस वक्त जाएंगे, ये तो हमें भी नहीं पता, बट देखते हैं। तो वो जो आपको लग रहा ना, दो दो चीज़ें चमक रही है, सनसेट है, सनसेट नहीं है भाई, शीशे में रोशनी पड़ रही है। कोई भी गाड़ी घर पे नहीं है, सब गए हुए हैं। ये गाड़ी बस अभी मैंने खड़ी करी है, और अब बेल बजाते हैं घर की। इतनी बेल मारो ना पता लग जाता है कि मैं आ गया हूँ। ये देखो ये लॉक कर दिया इसने दरवाज़ा, और ये देख रहे हो, और वो देखो हमारी मैडम सो रही है। ओए दरवाज़ा खोल, इधर खोल, जल्दी खोल, कह रहा उधर से आओ, मुझे कह रहा है दूसरे गेट से आओ, वहाँ जाना पड़ेगा। देखो ये इतना शैतान है ना, तंग करके रख देता है। तेरी ना हालत ख़राब कर दूंगा किस दिन पीट के। ओ बड़ा सो रही है तू, हेलो ओ बहुत थक गई है, बड़ा काम किया, शक्ल देखियो कैसी सी बना रही है, उठ जल्दी उठ। तो ये जो दीक्षा वधवा जी हैं, उन्होंने चॉकलेट्स भेज दी हैं कीरत के लिए, बहुत सारी चॉकलेट भेज दी हैं। तो अभी हम खोल के देखेंगे जब प्रीति उठ जाएगी, तो मतलब अभी भेज दिए, चेक करते हैं। थैंक यू है दीक्षा जी आपका, आपने चॉकलेट्स भेजी हैं, और अभी हम खाएंगे और खा के जरूर बताएंगे कैसी हैं, पर प्रीति उठेगी तब बताएंगे। दीक्षा आंटी, ये कड़वी चॉकलेट्स तो नहीं है ना, इसलिए मुझे मीठी पसंद है। ये तो खा के चेक करनी पड़ेगी, अगर कड़वी होगी तो उनको बोलेंगे दोबारा भेज दो, सही है ना। तो ये दीक्षा जी का नंबर है और उनकी शॉप का नाम लिखा है चोको स्टफ। तो आप लोग भी खाइए और इन्जॉय कीजिए, और हमें बताइए कैसी है कमेंट करके। भाई ये उन्होंने इतनी प्यारी सी पैकिंग करके भेजी है चॉकलेट्स, हैम्पर बना के भेजा है पूरा चॉकलेट का। भाई अब तो है, तू खाएगा नहीं, अब तो इनकी शॉप में जाके ऑर्डर करना ही पड़ेगा। क्या बोलता है किरत, ऑर्डर क्या करना जल्दी ही पड़ेगा। तो भैया घर आते ही प्रीति कह रही है 23 सेक्टर चलो, पर क्यों चलो ये नहीं पता। चले भाई प्रीति, चलो कीरत चल रहा है, कीरत भी चल रहा है हमारे साथ, और प्रभु कह रही है मैं नहीं जा रही, तू घर पे खाएगी पिज्जा। हाँ। ये कह रही है मुझे घर पे पिज्जा ला दो, मैं घर पे खाऊंगी, चलो नहीं ना। और डैडी भी जा रहे हैं हमारे साथ 23 सेक्टर। हाँ डैडी भी जा रहे हैं, चलो डैडी हो गया रिकॉर्ड, चल ये बेटा रिकॉर्ड कर लिया मैंने इस पे। हाँ कौन सा पिज्जा, चीज पिज्जा चिकन खाते हैं, नहीं मिलता उनके पास। डोमिनोज से लाऊं, नहीं। तू क्या खाएगा बे, चॉकलेट, चॉकलेट ही आई है इतनी सारी। एक मिनट बता रहा हूँ, रुक, ये मफिन है, दो तेरे हैं, एक मेरा, नहीं ये मफिन में क्या है कि एक मफिन तेरा, एक कीरत का, एक मम्मी का, और एक बात सुन लो मेरी, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोग लड़ रहे हो, सबसे बेस्ट बता देता हूँ कि ये तुम मत लड़ो, ये खा लो, ये चॉकलेट दे देता हूँ मैं किसी को। चॉकलेट के लिए कितनी लड़ाई हो रही है, तो आपको दो हैम्पर भेजने चाहिए थे, ठीक है। ऐसा फिर एक मेरे लिए भी भेज दो, तीन भेजने चाहिए। ये तो लगी हो गया भाई साहब, तो बिल मेरे को तो नहीं लगता इसमें से मुझे एक भी मिलेगी खाने को, तो हम खा लेंगे, आप जाओ, ये हमारा हो गया ना फिर। ये भी तुम्हें चाहिए, अरे जाओ ले जाओ, यहाँ तो देखो तोड़ फोड़ हो गया, ये नट है। चलो 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 चलो, तो आके चॉकलेट खाते हैं, अभी हम 23 सेक्टर जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए, ये खाएगी मोमोज, चलो चलो डैडी, चलो
तो आप लोगों को अगर चॉकलेट लेनी हो तो इस पेज में जाना और लिंक पे कलेक्ट करना और फटाफट हमारा कूपन कोड डालना, आप लोगों को भी डिस्काउंट पे चॉकलेट मिलेगी। प्रीति वैसे दो तीन भूखी है और वो भी मंगा के खाएगी। भूखी क्या होता है यार? भूखी तो है, अभी भूखा यहाँ ध्यान से उतरना। तो थार आ चुकी है, अगम लेके गया था और घूम फिर के आ गया है, अब हम जाएंगे। प्रीति कह रही है मैं चलाऊंगी, मेरी गाड़ी है, तुम पीछे हट जाओ। सीधा धमकी दे रही है, हट किरत। अरे किरत हटने लग जाएगी। तो अब मैं और किरत तो पीछे बैठेंगे, मैं और किरत पीछे चलते हैं। आप और मैं थार पे चलते हैं। अबे हो थार पे चलते हैं, ठीक है? 2000 चलना यार, चल मैं नहीं जाने वाली है, चलते हैं। तो प्रीति थार चला रही है और डैडी आगे बैठे हैं साथ में। ज्यादा पिकअप ना दिखा, चलानी आंदी नहीं दिंदा है तेनू। अगे डैडी बेल्ट लगा लो, पता नहीं चलता ऐसे झटका लगता है ना, तो बोनेट पे भी कोई लोग बोनेट चला रहा है, चिंता रहा तू डैडी, आप लगा लो यार, गड्डी चला तू यार, बड़ी ऊंची ना, बड़ ज्यादा होची 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 लगी। मतलब होता है डैडी शोधी, मतलब क्या मतलब होता है ज्यादा जो वो दिखाते हैं टशनबाजी। तो सिंपल बोलो ना, कि ऐसे वर्ड क्यों बोलते हो जिसको गूगल में सर्च करना पड़ता है। गूगल बैठे ना पीछे कैमरा पकड़ के। चलो तो मैं और कीरत तो पीछे बैठे हैं, और एक चीज और बताता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब बताता नहीं। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी चीज लगने वाली, आम रेस्ट, जो कल हमें अगम ने बताई है, वो ऑटो एम्पोरियो पे भेज रहा हूँ भैया को, वो बताएंगे कि कब आ जाओ, तो वो लगवाने जाएंगे, तो देखते हैं कब लगती है। किरण कह रहा है पापा यहाँ पे स्क्रीन लगवा दो और यहाँ पे स्क्रीन लगवा दो, तो ये भी राय लेंगे कि स्क्रीन लगवाएं या इस पे हम कुछ और चीज लगवाएं, देखते हैं। और ये भाई साहब क्या करके आए हैं, डेक पे जाके एडवेंचर मोड ऑन कर आए हैं। ये शैतान का नंबर वन कीड़ा है ये जो बैठा है। वैसे पीछे बैठ के बड़ी सही व्यू आता है इसमें ना किरत? हाँ मैं पहली बार बैठा हूँ, क्या दूर तक व्यू आ रहा है देख। पहली बार बैठे, दो बार बैठे को आप, मतलब सेंटर में पहली बार बैठा हूँ ना। भाई प्रीति लेके जा रही है 23 सेक्टर के अंदर गाड़ी, तो भाई भूई मत करा दो। तो पता नहीं लेके जाएगी नहीं आई जाएगी, क्यों नहीं जाऊंगी यार, अब मेरे को अपनी ड्राइविंग में बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ तेरे को कॉन्फिडेंस है, हमें नहीं है ना तेरी ड्राइविंग में, तुझे है। डैडी आ रहे हैं, डैडी को नहीं है, रानी आ रही है, बिहारी खाली कर दो, देख के आ गए, छोटा बच्चा आ रहा है नीचे ना दे दी, प्राइम पे है। आंटी सड़क पे कौन चलाता है अपना बच्चा? हाँ। उनको क्या पता तू गाड़ी लेके आएगी। कुछ अनपढ़ लोग कैसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पढ़े लिखे बनते हैं, बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं ना, वैसे लोग हैं ये। और ऊपर से डिजाइन बना रहे हैं रोड के ऊपर खड़े होके। गाड़ी का नंबर देख तो, देखो आप दिख रहा है इस पे। अरे गाड़ी चलानी आती नहीं है यार, 23 सेक्टर पे ले आई है, बेइज्जती करवा रही है, यहाँ निकाल लूंगी वहां निकाल लूंगी कर रही है। चल निकाल इसी गाड़ी, यहाँ से भी नहीं निकलेगी। अब बैग ना लियो, काट दे, बस रोक दे, इसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही भैया, बैग ले। उतर जाना प्रीति, उतर जा। डैडी क्यों उतरो, मैं चला सकती। बैग ले हल्की सी, बैग ले, बस 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 काट, अब गाड़ी चलानी नहीं आ रही इसको। देख लो जी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, ओह डिजाइन पूरा, कल चल 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 काट गई। मनु फालतू मत बोला करो, मैं तो सच बोल रहा हूँ। राइट रे, डैडी बोलता भाई मैंने माफी मांग ली, तू कहीं लाके गाड़ी लाने लायक नहीं है, डैडी भी डर के बैठ गए बेचारे यार। भाई गॉड ये व्लॉग देखना जरूर, आप लोगों को बहुत हंसी आएगी, बहुत हंसी, थोड़ा सा मैंने कम बनाया पर बहुत हंसी आएगी। चल चढ़ा उस पर गाड़ी, मेरी शक्ल मत देख, ये तो हम आए हैं तो निकल गई गाड़ी तेरी, नहीं तो वैसा के खड़ी हो जाती, लेट जाती, थोक दी गाड़ी मेरी। वो लड़का था, मैं तो उसको थैंक्स बोलती हूँ। हाँ अभी तो उसको गाली सुनाने जा रही थी, बस कर, कितने अच्छे से, बस कर चौक दे, कितने अच्छे। ये जो जाम देख रहे हो सारा जाम किसकी वजह से लगा, इसकी वजह से, तेरी वजह से लगा, उसकी वजह से लगा। ये गाड़ी अभी डैडी के साथ जा रही थी, अब कह रही मैं नहीं जा रही। ये देखो यहाँ पे मन्नत भी मिल गई शॉपिंग करते हुए, लश्कारा भी मिल गई, डैडी चले गए उनके पास सीधा, सारे आ गए मोमोज खाने के लिए। दवाई लेने गई अभी तो, किसने किसने ये बोले भैया ने, प्रीति अभी तो कल को कह रहा प्रीति भाभी की फोटो भी लगानी मैंने यहाँ पे, मोमो क्वीन, सब घर तक छोड़ देंगे आपको।
मोमोस आ चुके हैं, टेस्ट कर भाई। ठीक, प्रीति से यहाँ पे चटनी के पैसे लेते हैं, मोमोस के लिए लेते हैं, मोमोस फ्री है उसके लिए, चटनी पीती है ना वो, ठंडा हो जाएगा में, वो उधर छुप के खड़ी है। मोमोस कौन सी चाह पी? डैडी खिला रहे हैं प्रीति को मोमोस, छोड़ेगी नहीं, वैसे ही खा लेगी। आप ऐसे क्या कर रहे हो? डर मार रहे किसी का? वो तेरे को पता है मेरे को फ्री मिलते हैं, चटनी के पैसे दे दियो। चटनी दे दी है, मोमोस खा रही है ये वेज है? नहीं, चिकन, चिकन चिकन तेरे अंदर जाएंगे बेचारे, कोटा से आए हैं, इनको भी खिलवा दिए। आपके कोटा वाले लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं हमें, कह रहे कोटा आओ जल्दी से हमें मिलने के लिए। मैं कहा दादा बाड़ी में आएंगे हम, आज बहुत कमेंट आया क्या कह रही इनकी, काश दादा बाड़ी है, ये चंडोक ही है वो, ये चंडोक ही है। ये गंडोक है, हम चंडोक मोमोस पैक करवा रही है। क्या पैक करवा रही है? तंदूरी, तंदूरी चिकन पैक करवाए हैं भैया, इस रहे मशहूर कीरत के लिए मलाई टिक्का आ चुका और ये मस्त खा रहा है, गर्म है ठंडा है, ठीक है। और उधर मेरे जो पट्टी दी है, प्रीति के लिए मोमोस बन रहे हैं वहां पे। मसाला चाप मंगा यार, मसाला चाप। ये दीपक भैया हैं, इन्होंने फिर प्रीति को पकड़ लिया और मोमोस खिला रहे हैं, कह रहे जितने मर्जी खाओ, पैसे वैसे ले लिया करो इससे। ये देखो चटनी ले रही है, चटनी दे दो भैया, ये तो चटनी के पैसे ले लिया करो इससे, चटनी के पैसे ले लिया करो। नहीं क्यों, अपनी जान, अपनी बातचीत है भाई। प्रभ नूर का चीज पिज्जा भी पैक हो गया होगा, पिज्जा पैक हो गया, लाओ एट लास्ट। अब गाड़ी मुझे चलानी पड़ रही है क्योंकि प्रीति घबरा गई है। अब चल प्रीति बैठ, डैडी कह रहे दूसरी गाड़ी होती तो बंदा आराम से बैठ जाता इसको, ये डैडी को ये नहीं पता कि कितनी अच्छी फील आती है खड़ी में। ले फड़ा, ले फड़ा, ले फड़ा। तो फिर डैडी पकड़े ही क्यों था अपने? मेरा ही था। ऐसा है कि प्रीति से गाड़ी मैंने ले ली है, वैसे ये बहुत अच्छी गाड़ी चला लेती है, पर चक्कर ये है कि ये जब भीड़ भड़क का आता है ना तो ये घबरा जाती है, इसके हाथ पैर कांप जाते हैं, वो कांप जाती है। डैडी देखो गलत बोल रहे हैं, कहीं तो साथ देखो, तेरा घर वाला है, मैं क्या करूं भाई। तो क्यों आप अब हम घर जा रहे हैं, प्रभनूर का पिज्जा भी ले लिया है और कीरत के लिए भी ले लिया, पैक करा लिया। दोनों बसे पागल बनो, आलो जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ फटाफट। तो अब डैडी तो घर जाएंगे शादी पे रोटी वोटी खाने, और हम लोग जाएंगे अपना घूमने के लिए, अगर गए तो, नहीं गए तो नहीं गए, गए तो गए, बाकी घर जाके देखते हैं। ये तो साहब होया कुड़कुड़े इतने ते अंडे उत्थे, मैंने कुड़कुड़े समझ नहीं आई बात ये है, कुड़कुड़े इतने ते अंडे उत्थे, मतलब मुर्गी कुड़कुड़ कर दी है मेरे इधर, अंडे जाके दे दूजे घर दे जा, तेरा साहब होया तैयारी मेरे नाल कीती, मैं ब्याह ते चलांगी, तुसी कीप क्वाइट रहना। तो डैडी इतनी सी बात पे रुड़ गए, मैं चलो मैं चलती हूं। नहीं हुण तो, हुण तो कह दिया मैं नहीं जाने। डैडी नहीं चलो डैडी, पर मैं भाई बड़े एक चीज बता दूं मैं तुझे, आज तुमने नहीं गए ना तो कल को तुम्हारे भी रिश्तेदारों में शादी होगी, मैं भी ऐसे करूंगा कुड़कुड़ करके अंडे कदरी उड़ता। आप जब तक होगे नहीं तो ऐसे रिश्ते शादी थोड़ा हो जाएगी, ये बात बताओ, करनी तो आप ही नहीं है ना, करवानी तो आप ही नहीं है फिर। चलो तो अब हम चल रहे हैं घर, घर चल के अंडों की बात से यहाँ आया, अंडे की ट्रेन है, जाया गया नहीं यार, मैं जा टाइम नहीं मिला। तो कल कल पाली बुआ भी आ रही है और मजा आने वाला है, मैं तो चला तो आप वो दो तीन दिन के लिए आ रही है, अभी नहीं जाते, आए तो सही, जाने नहीं देते हम इतनी जल्दी, मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे। तो आज अगम थार लेके गया था और थार लेके जाने पे ये सेकंड आ गया फ्रेशर पार्टी पे, तो थार का चमत्कार है, थार का चमत्कार है, तो भाई साहब थार पे चमत्कार तभी हुआ है, ये चमत्कारी कार है, फर्स्ट कौन आया? जैसे चमत्कारी बाबा होता है ऐसे चमत्कारी कार भी होती है, समझी? जैसे चमत्कारी बाबा होता है ऐसे चमत्कारी थार होती है, और देख रहा हूं मेरा हरा वाला फैमिली का। तो प्रभनूर का पिज्जा आ गया है,
ये कंप्यूटर बच्ची है। और एक चीज पापा ने इससे वादा कर दिया है और इसको तो पापा ने इससे वादा कर दिया और इसको दो तीन दिनों में प्रनूर चप्पल गई मेरी। अरे मैंने कहा था मेरा केला तक खाया था बैग में। हेलो पापा से वादा हो गया कीरत के बर्थडे से पहले पहले तेरे को सुन रहे टॉय मिल रहा है। तो भाई इनको कोई सब्र नहीं है, पहले लड़ाई करी और अब ये चॉकलेट खोलने लगे हैं और मफिन खोलने लगे हैं। अभी अच्छे से पैकिंग उतारेंगे, पैकिंग उतारेंगे, जल्दी खोल उधर आ जा। तो भाई ये खोल दिया, ये लॉलीपॉप वाली जो है वो तो मैं खा लूंगा सोच रहा हूँ। ये भी चॉकलेट से, ये पहले एक पैरी की है और एक कीरत की है। ये जा दीदी को देखिए आप पहले ये एक तेरी है एक दीदी की, एक तेरी एक दीदी की, काउंटिंग करके जितनी जितनी है ना उतनी उतनी सब की है। और वंस अगेन थैंक यू टू चोको स्टफ डील्स इन होममेड चॉकलेट, थैंक यू दीक्षा जी, दीक्षा जी आपका बहुत 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 थैंक्स कीरत के दांत के लिए चॉकलेट देने के लिए। अभी आपकी चॉकलेट खाएगा फिर डॉक्टर को दर्शन दे के आएगा। नहीं नहीं ये मजाक है, थैंक यू यार दिल से आपको थैंक यू है, आप लोग इतना प्यार देते हैं और सब सपोर्ट करो इनको। बहुत टेस्टी फीलिंग है इसके अंदर, तेरे दांत में भी फीलिंग है। हार्ड है लेकिन बहुत टेस्टी है, टेस्टी है। दीदी को अब बांट के जितनी आधी तेरी आधी दीदी की। चलो तो अब रात के बज चुके हैं 10, मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। अंकित और प्रिया का फोन आया था, हो सकता है हो सकता है ना आ रहे हो कुछ मालूम नहीं है, बट चेंज करके अब कंबल में लेटने वाला हूँ। आ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके लिए व्लॉग एडिट करना स्टार्ट करने वाले हैं। और ठीक है यार फन हो रहा है, रोज फन हो रहा है, रोज मजे आ रहे हैं, रोज हंसी आ रही है, क्या बोलती प्रीति? बिल्कुल। और ये मोमोज विद चटनी, एक चटनी दो चटनी तीन चटनी मोमोज एक, ये मत खुश हो यहाँ पे एक देख के ये देखो। नहीं बस मैंने और नहीं खाने में फुल हो गई।